मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं। मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ नाथरा बस स्टैंड बिकॉज मेरे नाना नानी आ रहे हैं तो उनको पिक करने जाना है। आई थिंक वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस वाले घर में मेरी बीच में और उसके बाद मैं सोया नहीं तो आंखें भी लाल हो रही है। सो चलते हैं गाइस, बहुत दिनों बाद नाइट आउट करने वाले इस तरीके का। अदरवाइज ऐसे ही होता है कि इवेंट में जाते हैं, इवेंट में जगते रहते हैं और ऐसा सीन होता है। बट बहुत टाइम बाद में मैं इस टाइम पे घर से निकल रहा हूँ तो चलते हैं नाना नानी को लेकर आते हैं। पहले पता क्या होता था, जब हम लोग बहुत मतलब जब हम लोग स्कूल टाइम में था ना तो सीरियस होता था कि इस टाइम में वेट करते थे रात रात में, फटाफट सुबह सुबह उठते थे और देन फिर चाय वगैरह पीने जाते थे, चाय नाश्ता करने। मतलब उस टाइम की बात ही अलग थी यार, जब अपन छोटे हुआ करते थे ना, जब 9th 10th 11th 12th जब जो चीज़ अवेलेबिलिटी नहीं थी, गाड़ी वगैरह ऐसा रहता था कि भाई गाड़ी बहुत जुगाड़ से करनी पड़ती थी, रात में निकलने को बहुत मुश्किल से मिलता था, जो चीज़ करने को नहीं मिलती थी ना वो चीज़ करने में बहुत मज़ा आता था। तो सुबह सुबह उठ के हम लोग जाते थे। और अभी तो बहुत फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा हो गया है, अभी तो ऐसा हो गया कि जितने हमारे जो हमारा काम है उसी के थ्रू से जितने भी फ्रेंड्स वगैरह बने हुए हैं, पार्टनर्स वगैरह बने हुए हैं वो सब हैं। हालांकि मेरा जो पार्टनर है वो मेरा फ्रेंड भी है, प्लस मेरे जो बाकी जो टीममेट्स हैं वो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, बट अदरवाइज हम लोग का सर्कल बहुत बड़ा हुआ करता था। एट दैट टाइम हम लोग जाया करते थे 20-30 लौंडे। गाड़ियों की कमी होती थी इसलिए गाड़ियों में हम लोग मतलब एक गाड़ी में 3-3 4-4 लद के जाते थे यार। मतलब वो मतलब वही वाला कहते ना कि जब पैसा होता है तो दोस्ती यारी वाला सीन ऐसा रहता है कि कम होता है, और पैसा है तो ऐसे ही होता है यार। मतलब सीन इन्हें आउट है, दूसरे साइड से जाना पड़ेगा अपन को। ये देखो भाई स्मगलिंग चल रही है, स्मगलिंग। सो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ नाथरा बस स्टैंड, एंड नाथरा बस स्टैंड ऑब्वियसली बस स्टैंड है तो भाई 24/7 खुला रहता है, इनकेस कोई मेरा बाहर का सब्सक्राइबर है और उसको क्रेविंग्स होती है तो कहाँ जाना है उसको रात में भोपाल में तो नाथरा बस स्टैंड आ सकते हैं आप। इसके अलावा जो भी बस स्टैंड वगैरह हैं वो शायद नहीं खुले रहते हैं रात में, उसमें फूड्स वगैरह अवेलेबल होना बंद हो जाता है इनकेस ऐसा कुछ है, बट यहाँ पर अवेलेबिलिटी रहती है। मैं भी आ चुका हूँ पहले इसलिए मुझे पता है, एंड अभी भी खुला ही हुआ जैसे आप सामने देख सकते हो, दिखा देता हूँ सारी चीज़ें अभी ओपन है। अगर ट्राई कर सकते हो पोहा वगैरह फूड वगैरह भी अवेलेबल मिल जाता है आपको तो। या अभी चलते हैं नाना नानी को पिक करेंगे, अभी आने में थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, एंड बस यार हल्की फुल्की नींद भी आ रही है। ये हो रहा है कि नानी का फ़ोन हो गया स्विच ऑफ, एंड ऑब्वियसली परेशान हो रही होंगी क्योंकि आई थिंक वो बहुत टाइम बाद आ रही है, तो मैं बार बार पीछे पलट पलट के देख रहा हूँ कि आई हैं कि नहीं आई हैं, क्योंकि वो बहुत परेशान होने वाली है इन सारी चीज़ों से। हालांकि कंडक्टर का नंबर था मेरे पास में तो उससे मैंने बात कर ली थी, तो वो कोऑर्डिनेट तो कर लेगा, उसने बोला है उतार देगा, बट जस्ट कि परेशान हो रही होंगी। चलते हैं फटाफट, ज़्यादा परेशान ना हो बस। ओके बस भी लेट है शायद, अभी तक आ जानी चाहिए थी, आई नहीं है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो एक नंबर हुआ है। मैंने 17,000 रुपये की गाड़ी ली थी, 17,000 रुपये उसमें मैकेनिक के खर्चे में लगा चुका हूँ। और भैया का कुछ कहना है आप सुन सकते हैं भैया का। भैया क्या लिखा रहता है सिटी की दुकानों पे, मोस्टली शॉप पे ये लिखा है कि एक्सेस गाड़ी के काम करने के बाद की कोई गारंटी नहीं दी जाती है। तो काम कराने के बाद एक्सेस की कोई गारंटी नहीं है, तो भाई एक्सेस मत खरीदना, पुराने मॉडल वाली, नए मॉडल वाली न्यू मॉडल अच्छी है, पुराना मॉडल मत खरीदना, सेकंड हैंड में एक्सेस खरीदना ही मत, भोपाल के पूरे इंडिया में मत खरीदना। सही बोल रहा, बाकी अपना वो तो बोल दो किसी को खरीदनी हो तो कौन संपर्क कर ले। गाड़ी बहुत अच्छी है, एक्सेस अच्छी कोई गाड़ी नहीं है, मैं बेच रहा हूँ, किसी को लेनी हो तो ले ले। वो देखो गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था, देखो पेट्रोल के जुगाड़ करने के लिए जा रहा है भाई, ये पता नहीं कहाँ से ही जुगाड़ करेगा, कुछ दुकान वकान से मिलता है मैकेनिक की शॉप से। तो भाई किस्मत से बीच में एक शॉप मिल गई थी, शॉप दिखा नहीं सकते, वहाँ से पेट्रोल ले लिया हमने और भैया के बदला था। अरे हमें तो पता था, हमने बताया ना ये, हाँ इसीलिए तो अपन ने वो नहीं किया ना पेट्रोल पेट्रोल हमें तो पता है यार, भैया है तो क्या है। चले अब बाकी काम बताते हैं। हाँ
गाइस 500 सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में ये पटाखे ले रहे हैं। 500 पूरे ये। तो ये अभी कुछ दिनों में फोड़ा जाएगा। क्यों ऊपर बारात में ऐसे खड़ा हो जाऊंगा थोड़ी देर में चलेगा ना, मतलब किसी को पता तो नहीं चलता। साइड से साइड की फोटो ले लेंगे और ऐसे बोला हाय गाइस और यूटिलाइज फुल यूटिलाइज। तुम लोग क्या शॉपिंग करते हो, मतलब तुम लोग क्या करते हो शादी में शॉपिंग, मतलब है कपड़े खरीद रहे हो, ये खरीद रहे हो, वो खरीद रहे हो, और हम लोग इवेंट प्लानर्स और इवेंट इंडस्ट्री वाले लोग क्या करते हैं, मतलब बेसिकली डेकोरेटर्स और हम लोग क्या करते हैं। देखो पटाखे खरीद रहे हैं, ये आए हुए हैं एंट्री के पटाखे। अभी एक अपनी कब है संकेत, 11 मार्च की एक वेडिंग है, उसके लिए बारात अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, तो उसके क्रैकर्स वगैरह है, वरमाला के क्रैकर्स वगैरह हैं। तो ऐसा चल रहा है भाई अभी सीन, तो आज पूरा दिन ही लग गया, गाड़ी वगैरह सुतरवाई उस पर भी टाइम लग गया। अब आए हुए हैं और अभी एक डेकोरेशन है, कार डेकोरेशन, कार बूट डेकोरेशन है भाई, तो वो करते हैं। जितेश का ऐसा कि जैसे ही 6 बजते हैं जितेश गायब, ऐसी बातें हैं यार, मतलब यार भाई बताओ 6 से 9 जितेश भूख रहता है। तो गाइस जो डेकोरेशन अभी आपने देखा है ये है मैरी मी का जो कार की बूट में होता है वो वाला डेकोरेशन है। और अगर आप चाहते हैं किसी लव वन को प्रपोज करना इस तरीके से, मैरी मी, हैप्पी बर्थडे या कोई भी ओकेजन हो, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं धरामेश्वरम को। उसका लिंक मैं भी डाल देता हूँ, पेज का स्क्रीन शॉट शेयर कर देता हूँ, चाहो तो उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। एंड ऐसा कुछ फाइनल लुक दिख रहा है। तो ये था आज का दिन और आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे चैनल का नाम है ब्लॉग्स बाय नितिन, मेरा नाम है नितिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्लॉग्स बाय नितिन।